कितने प्राइस से बाइक मिल जाएगी? मेरे पास अभी 38,000 से 38,000 से स्टार्टिंग है, 535 cc का है, GTR है जी, 250। कावासाकी की निंजा आपको यहाँ पे मिलेगी, ये वाली बहुत कम मिलती है। और आपके यहाँ पे फाइनेंस की सुविधा अवेलेबल है सर? 125 है जी, मॉडल 2020 का है, 20 की मॉडल है, 15 वर्जन 3 है, वर्जन 3 है, 11,000 मात्र चला हुआ। R15 का वर्जन 4 जो कि लेटेस्ट मॉडल है, अभी जस्ट यहाँ पे आया है, RS 200 है जी, सबसे ज्यादा डिमांड है इसका अभी। वेलकम बैक टू माई चैनल पूजा ब्लॉग। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक नया शोरूम ओपन हो गया है व्हीलर डीलर का। ये जस्ट 3 से 4 महीना पहले ओपन हुआ है और मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रहा था। और यहाँ पे आपको फाइनेंस में सेकेंड हैंड बाइक मिल जाएंगे, जो भी बाइक चाहिए, चाहे स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, माइलेज चाहिए या स्कूटी चाहिए, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। अगर आप इस टाइप के वीडियो देखना पसंद करते हो, मेरे चैनल पर नए हो, अभी विजिट किए हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लीजिए। एड्रेस की बात करें तो ये शोरूम आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको दलादली चौक देखने को मिल जाएगा और वहाँ से राइट लेके धोनी के घर जो है, धोनी के घर के रास्ते पे ये शोरूम है आपको पड़ता है। उससे पहले ऑन रोड आपको ये वाला शोरूम मिल जाएगा जहाँ पे आपको सारा बाइक का कलेक्शन मिलेगा। चलिए यहाँ के ऑनर से आपको मिलवाती हूँ, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सर आपका वेलकम है मेरे YouTube चैनल पूजो ब्लॉग में। ये बता दीजिए आपका ये जो व्हीलर डीलर का नया शोरूम ओपन हुआ है उसका एड्रेस क्या होगा? ये रिंग रोड दलादली चौक है, इससे 100 मीटर आगे जाइएगा धोनी का फार्म हाउस है। उससे पहले आपको, मतलब धोनी के फार्म हाउस से पहले आपको ये शॉप मिल जाएगा ऑन रोड। अगर आने में कन्फ्यूजन होगा तो स्क्रीन पे आपको नंबर मिलेगा, आप कॉल करके भी आ सकते हो और डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर एड्रेस भी मिल जाएगा। सर ये बताइए आपके यहाँ पे मिनिमम कितने प्राइस से बाइक मिल जाएगी? मेरे पास अभी 38,000 से 38,000 से स्टार्टिंग है, 38,000 में मिल जाएगी। इसके अलावा आपके यहाँ पे फाइनेंस की सुविधा अवेलेबल है सर? कितना मिनिमम डाउन पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा? डाउन पेमेंट 38% है, 38% 38,000 आपको डाउन पेमेंट करना होगा, प्लस 2015 से नीचे का गाड़ी फाइनेंस नहीं होगा, उससे ऊपर का गाड़ी फाइनेंस। यानी कि 2015 मॉडल आप याद रखिए, उससे ऊपर की अगर आप कोई भी बाइक यहाँ से लेना चाहते हो, स्पोर्ट्स बाइक, स्कूटी या माइलेज बाइक, सब कुछ आपको मिल जाएगा और अच्छा खासा जो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और फाइनेंस में तो आप लोग को चाहिए होता है, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। चलिए यहाँ पर बहुत अच्छा कलेक्शन है स्पोर्ट्स बाइक का, वो आपको दिखाते हैं। सर इस RC 200 के बारे में बताइए। ये RC 200 2020 मॉडल है जी, चला हुआ 24,000 किलोमीटर, प्राइस इसका 1,48,000 है, जो कि अगर आप फाइनेंस में चाहो तो ये वाली बाइक ले सकते हो। चलिए अगली जो बाइक है वो आपको दिखाते हैं। 15 वर्जन 3 है, वर्जन 3 है, 11,000 मात्र चला हुआ है, मात्र 11,000। ये अगर आप R15 लेने की सोच रहे हो बहुत टाइम से, और ये वर्जन 3 है, आपको वर्जन 4 भी यहाँ पे आज के वीडियो में दिखाऊंगी जो कि स्टॉक में आया हुआ है। और ये मॉडल कब की बताई सर आपने? 2021 का मॉडल, 21 का मॉडल है। बजट क्या होगा सर? 1,48,000, 1,48,000, और चला भी बहुत कम है, मात्र 11,000। कंडीशन वाइज बात करें तो फुल कंडीशन में आपको मिलेगी। सर लेने के बाद कोई प्रॉब्लम होता है तो? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर इस बाइक के बारे में बताइए। ये RS 200 है जी, सबसे ज़्यादा डिमांड है इसका अभी, ये 2017 मॉडल है, ये 17 की मॉडल है। और RS 200 में आप लोगों को डिमांड रहता है, मॉडल बता दे रहे 17 का है क्योंकि 15 से ऊपर का फाइनेंस होगा, तो ये फाइनेंस में आपको मिल जाएगी। ये बताइए सर रनिंग क्या होगी इसका? रनिंग आपको 35,000 है, 35,000 चला हुआ है। टायर वगैरह देख सकते हो, सीट की कंडीशन भी आपको सही मिलेगी, कहीं से कोई डेंट, कोई टचअप वगैरह इस पर आपको नहीं मिलेगा। जैसी बाइक सेल हुई है वैसे आपको मिल रहा है। इसका प्राइस आपको 88,000। पल्सर NS 160 पल्सर भी आपको यहाँ पे मिलेगी। ये वाली पल्सर के बारे में बताइए सर, कब की मॉडल है? 18 की मॉडल है। रनिंग क्या होगी सर इसकी? रनिंग इसका आपको 21,000 है, 21,000, मतलब रनिंग भी बहुत कम है क्योंकि कंडीशन वाइज आपको सारी की सारी बाइक मिलेगी। बजट बता दीजिए सर इसका। इसका आपको पड़ जाएगा 78,000। RTR जो कि हमेशा से यहाँ पे रहती है और आप लोगों को पसंद आती है, ये भी बाइक यहाँ पे मिल जाएगी। 180 है, 160 भी आपको चाहिए तो अवेलेबल है, मिल जाएगी।
सर बताइए कब की ये मॉडल होगी? 2020 की मॉडल है। 20 की मॉडल है। प्राइस इसका आपको 86 पड़ेगा, 86। और ये मॉडल भी 20 का है। 86,000 या फाइनेंस में चाहिए तो आप विजिट कर सकते हो। ये होंडा का एक ब्लेड है जी, इसका प्राइस आपको 65,000 पड़ेगा। 65,000 इसका प्राइस है। और मॉडल कब की होगी सर ये? 2018 का मॉडल है। प्राइस भी कम है, लेना चाहते हो तो विजिट कर सकते हो। स्ट्रीम के बारे में बताइए सर। ये 2013 मॉडल है जी, ये फाइनेंस नहीं होगा, इसका प्राइस आपको 38,000 पड़ेगा। चलिए, इसका मॉडल 13 का है और रीपेंट किया हुआ है, इसलिए ये फाइनेंस में आपको नहीं मिलेगी। बजट बहुत कम है, लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे बजाज की एवेंजर यानी कि ये भी आपको 220 क्रूज देखने को मिलेगी। कंडीशन की बात करें तो बहुत अच्छे कंडीशन में ये आपको देखने को ही मिल रही है। आप चाहो तो टेस्ट ड्राइव करके भी दे सकते हो, टायर वगैरह भी देख सकते हो, इंजन वगैरह सब कुछ इसका वर्किंग कंडीशन है। सर इसका मॉडल बताइए। ये 2018 मॉडल है। 18 की मॉडल है। रनिंग क्या होगी सर इसकी? 16,000 चला है 18 का मॉडल, यानी आप फाइनेंस में ले सकते हो। बजट बता दीजिए। 58,000 इसका बजट रखा गया है। R15 का वर्जन 4 जो कि लेटेस्ट मॉडल है, अभी जस्ट यहाँ पे आया है। और ये VS6 में भी आपको मिलेगा, आपको उसका डिमांड करते हो। सर इसके बारे में बताइए। मेरे गाड़ी 2023 का है। ओह वाह, मतलब 4 महीने का है, यानी कि 23 का ये बाइक है। और इंश्योरेंस भी सर इसका वैलिड होगा। बजट क्या है सर इसकी? इसका बजट 1,75,000 पड़ेगा। 1,75,000 अगर आप, मात्र 3,000 किलोमीटर, मात्र 3,000 चला है। बजट भी बहुत कम है और एकदम लेटेस्ट 4 महीने पहले का। अगर आप लेना चाहते हो R15 वर्जन 4 में तो आप यहाँ पे आ सकते हो, स्टॉक में आपको ये मिल जाएगी। KTM 125 भी आपको मिलेगी, इसके बारे में बताइए सर। RC 125 है जी, मॉडल 2020 का है। 20 की मॉडल है। कलर वगैरह सर कोई टचअप नहीं किया हुआ, सब कुछ ओरिजिनल मिलेगा। टायर वगैरह का कंडीशन देख सकते हो। और रनिंग जो इसकी है 21,000 है। 31,000 आपको इसका रनिंग है। कलर वगैरह देख सकते हो। 1,48,000 आपके यहाँ पे तो बाइक सारी अच्छे कंडीशन में दिख रही। ऑनर एक बार बता दीजिए क्या होगी? फर्स्ट ऑनर है ये। फर्स्ट ऑनर है, मतलब ज़्यादातर फर्स्ट ऑनर मिलेगी और रांची की मिल जाएगी। कावासाकी की निंजा आपको यहाँ पे मिलेगी, ये वाली बहुत कम मिलती है और यहाँ पे आपको आज की वीडियो मिलेगी। ओके, और कब का है सर ये? 2015 मॉडल है। ये 15 की मॉडल है। फाइनेंस नहीं होगा। ये फाइनेंस नहीं होगी क्योंकि 15 का मॉडल है। बजट बता दीजिए इसका आपको 1,95,000। और ऑनर क्या होगा इसका? फर्स्ट ऑनर है और 1,95,000 इसका बजट है, जो कि आपको फाइनेंस में नहीं मिलेगा। ये वाली बाइक के बारे में बताइए। ये GTR है जी, 250 है। और कब की बाइक है सर? इसका 15,000 किलोमीटर चला हुआ है। 15,000 मात्र। इसका प्राइस आपको 1,65,000। 1,65,000 मॉडल कब की होगी? 2018 की मॉडल है। 1,65,000 और आपको ये फाइनेंस में मिल जाएगी। X+200T देख सकते हो, ये वाली बाइक हीरो की। और यहाँ पे इस शोरूम में आपको ना वो सारे बाइक मिलेंगे जो अदर शोरूम में नहीं मिलते, और अगर आप डिमांड करोगे तो वो भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके बारे में बताइए कब की मॉडल है सर? 2019 का मॉडल है, चला हुआ मात्र 1,000 किलोमीटर। मात्र 1,000 किलोमीटर चला है, 19 का है। बजट बता दीजिए। इसका प्राइस आपको 86 पड़ेगा। 86,000, इसके बारे में बताइए सर। जावा 2019 मॉडल है। ओके, आप में से किसी ने DM किया था आपको जावा चाहिए, तो ये वाली जावा यहाँ पे मिलेगी रांची रजिस्टर्ड नंबर प्लेट के साथ। ऑनर क्या होगी सर? सेकंड ऑनर है ये। सेकंड ऑनर है, 31,000 चला हुआ है और रनिंग भी 31,000। बजट क्या है सर? 1,15,000। 1,15,000 इसका बजट है, लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। एक और बाइक यहाँ पे रॉयल इनफील्ड देख सकते हो, ये वाली। ये GT Continental है जी, 535 cc का। अच्छा, इसका cc 535 है। अगर आप इसके बारे में जानते हो, लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। मात्र 13,000 किलोमीटर है। मात्र 13,000 और इसका 13,000 चला। इसका टायर वगैरह का कंडीशन भी आपको स्क्रीन पे देख सकते हो और इंजन वगैरह भी सारा वर्किंग है। मतलब अगर आप लेना चाहोगे तो सारी बाइक सर्विस की हुई आपको मिलेगी, आप यहाँ से ले जाके टेस्ट ड्राइव कर सकते हो। इसका बजट बता दीजिए सर। 1,28,000 और ऑनर बात करें तो सेकंड आपको मिलेगी। ये सिटी 100 है। ओके जी, इसका आपको 2020 मॉडल है, चला हुआ मात्र 11,000 किलोमीटर है। सर माइलेज क्या देगा ये? माइलेज ये आपको 70 से ऊपर ही देगा। 70 की ऊपर की ये माइलेज देगी। बजट क्या रखे हैं?
इसका आपको 48,000 रुपये। 48,000, इसके बारे में बता दीजिए। ये 164V है अपाची जी, 2019 मॉडल है, चला हुआ 20,000 किलोमीटर है। बहुत कम, मतलब यहाँ पे जितनी भी बाइक है उसका रनिंग बहुत कम है, क्योंकि कंडीशन वाइज बाइक सारी आपको ओके मिल जाएगी। लेने के लिए आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। सर, अगर कोई बाइक लेना चाहता है तो उसको क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? डॉक्यूमेंट में देखिए, कैश में लीजिएगा तो आधार कार्ड दो फोटो लगेगा जी, फाइनेंस में लीजिएगा तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और ATM कार्ड लगेगा। तो गाइस आपने सुन लिया। इसके अलावा सर, मान लीजिए किसी को ट्रांसफर चार्जेस अगर कैश में लेते हैं या फाइनेंस में, तो कितना पे करना पड़ेगा? ट्रांसफर चार्ज अगर कैश में लीजिएगा 3,000 है और फाइनेंस में 4,500। ओके, मतलब इंश्योरेंस अगर फेल होगा तो उसका आपको अलग से देना होगा चार्ज, और अगर होगा तो उसका चार्ज नहीं लगेगा। इंश्योरेंस का आपको पर बाइक जैसा होगा उसका अलग से पे करना पड़ेगा। 160 के बारे में बताइए। इसका आपको 2016 मॉडल है, 58,000 पड़ेगा। 58,016 का ये मॉडल है सर। 150 है। 150, ओके। कब की होगी सर ये? 2018 मॉडल है। 18 की ये मॉडल है। रनिंग क्या होगी? रनिंग इसका 26,000 किलोमीटर है। 26,000 है और ऑनर फर्स्ट है। बजट 60,000 रखे हैं। ये वाली ग्लैमर के बारे में बताइए। ये 2018 मॉडल ग्लैमर है जी, फर्स्ट ओनर है। इसका 21,000 किलोमीटर चला हुआ है। प्राइस का 55,000 है। 21,000 किलोमीटर मात्र चला है और बजट रखे हैं 55,000। आप में से बहुत लोग स्कूटी के बारे में भी डिमांड कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ स्कूटी का स्टॉक है तो आपको उसके बारे में बताते हैं। ये वाली होंडा के डियो के बारे में बताइए सर। ये 2021 मॉडल है जी, चला हुआ 7,000 किलोमीटर है। इसका प्राइस आपको 68,000। ऑनर क्या होगी सर इसकी? और ये मिलेगा धनबाद रजिस्टर नंबर प्लेट के साथ। आइए अगली स्कूटी जो है वो आपको दिखा देते हैं। ये मिलेगी आपको रांची रजिस्टर नंबर प्लेट के साथ। कब की है सर ये? ये 2019 मॉडल है। 19 का मॉडल है और ऑनर फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर होगा। क्या बजट है इसका? चला हुआ 15,000 किलोमीटर। प्राइस आपको 46 पड़ेगा। एक्टिवा 125 का है। ये अप्रिलिया है, 2018 मॉडल। 18 का मॉडल है। क्या बजट है सर इसका? इसका आपको 58,000 पड़ेगा। और ऑनर सेकंड है। एक्टिवा एक और है आपको ब्लू कलर में, मतलब ये कलर जल्दी मिलता नहीं, यहाँ पे आया हुआ है। ये बताइए कब की है ये? ये 2018 मॉडल है। 18 की मॉडल है। ऑनर कौन सी है? फर्स्ट ओनर है और रांची रजिस्टर नंबर प्लेट के साथ। टचअप वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ है। टायर वगैरह सारा देख सकते हो आप लोग, वर्किंग कंडीशन में मिलेगा। बजट बता दीजिए सर। 46,000। ये वाले स्कूटी के बारे में बताइए। हीरो का इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा, इलेक्ट्रिक स्कूटी भी यहाँ पे स्टॉक में रहती है। ये हीरो की ऑप्टिमा है, देख सकते हो। और इसका 19 का मॉडल है, रांची रजिस्टर नंबर प्लेट के साथ। ऑनर क्या है सर इसकी? फर्स्ट ऑनर है। बजट क्या रखे हैं? बजट इसका आपको 38 पड़ेगा। ओके, 38,000 में मिल जाएगी। इसके बारे में बता दीजिए। ये 2019 लास्ट का, मतलब 20 का मॉडल है। ऑनर सीरीज फर्स्ट है, चला हुआ है 22,000 किलोमीटर। 22,000 चला हुआ है। प्राइस आपको 58,000 पड़ेगा। 58,000। तो गाइस यहाँ स्कूटी का भी स्टॉक अच्छा है, बजट भी आपको मिलेगा। अगर आप फाइनेंस में स्कूटी लेना चाहते हो वो भी आपको मिलेगी। ये स्कूटी के बारे में बताइए। इसका आपको प्राइस पड़ जाएगा 65,000। सुजुकी की ये स्कूटी है, देख सकते हो। और इसका कंडीशन पहले आप सामने से देख लीजिए, टायर वगैरह वर्किंग मिलेगा। बजट क्या बताया सर आपने? 65,000 में मिल जाएगी। ये वाली स्कूटी के बारे में बताइए। होंडा एविएटर है। एविएटर ओके। इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 38,000 से। जो सर ने स्टार्टिंग बताया था वो इसका ही बजट बताया था। अगर लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये शोरूम का वीडियो आप लोग कमेंट कीजिएगा। कोई और बाइक लेना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो उस पर अपलोड करूंगी। यहाँ पे वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो।